तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईफोन 13, 14, 15 का फुल डिटेल कंपैरिजन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 13 में क्या था, 14 में क्या था, 15 में क्या आपको मिलेगा आईफोन का। तो दोस्तों क्या बिग डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, क्या स्पेसिफिकेशंस चेंज हुआ है, क्या कैमरा क्वालिटी में कुछ फर्क है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कंफ्यूज है कि आप आईफोन 13 ले, 14 ले या 15 ले। तो दोस्तों ये वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा क्योंकि मैं एक अच्छा सा डिटेल्स पे बनाया हुआ है, आपको सारे जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो उम्मीद है मेरा जो कोशिश है वो आपको हेल्प करेगा एंड आपको डिटेल्स में समझाएगा कि आईफोन 13, आईफोन 14 एंड आईफोन 15 में क्या बिग चेंज है, क्या बिग डिफरेंस है एंड ताकि आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर सके। क्योंकि कभी कभी होता है 13, 14 का जो कुछ सिमिलर फीचर होता है जो आपको चाहिए होता है वो 13 में मिल जाता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 14 तक जाइए। या दोस्तों अगर आपको 15 का कुछ आपको स्पेसिफिकेशन अच्छा लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप 14 या 15 भी ले सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको 14 में मिल जा रहा है कोई ज़रूरत नहीं है आपको 15 लेने के लिए, क्योंकि कुछ चेंजेस है जो कि आपको 14 में मिल जाए जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या दोस्तों अगर आपको 14 में नहीं मिलता आप 15 में जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कंपैरिजन किया है, फुल्ली कंपैरिजन की 14 में क्या है, 15 में क्या है, 13 में क्या है, 12 मैंने कंपैरिजन नहीं किया है। अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं जरूर से कोशिश करूंगा कि आईफोन 12 का भी कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं। और एक दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे 13, 14, 15 का, अगर प्रो वर्जन, मिनी वर्जन हम बात किए हैं इस वीडियो में, लेकिन ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं गए हैं। अगर आपको चाहिए ज़्यादा डिटेल्स प्रो वर्जन का एंड मिनी वर्जन का तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर से और एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा मैं अगर सारे जो वर्जन से वेरिएंट से उसके ऊपर बात करूं। लेकिन दोस्तों मैंने बात किया है कौन सा वर्जन पे आईफोन 13 का कितना वेरिएंट से, 14 का कितना वेरिएंट से, 15 का कितना वेरिएंट आता है, क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या मेरा क्या है, सब कुछ डिटेल्स में बात किया है। लेकिन अगर आपको इन डिटेल्स चाहिए प्रो लेवल का, मिनी लेवल का एंड मैक्स लेवल का तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनवेश कुमार, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल Being Unique TV। अब दोस्तों आप मेरा लैपटॉप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कंप्लीटली डिटेल्स आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे आईफोन 13, 14, 15 का फुली कंपैरिजन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल 13 वर्जन वर्सेस 14 वर्सेस 15 यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे जाके कि किस तरह से आप क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं 13, 14, 15 लॉन्च डेट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आईफोन 13 है वो सितंबर 14, 2021 को लॉन्च किया गया था। एंड दोस्तों मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यूएसए एंड दूसरे कंट्रीज के बारे में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में कवर करेंगे। यहाँ पे आईफोन 13 सितंबर 14, 2021 पे लॉन्च हो गया था। आईफोन जो 14 है वो सितंबर 16, 2022 में एंड आईफोन 15 सितंबर 22, 2023 में, यानी कि अभी हालांकि लॉन्च हो चुका है अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आईफोन 13, 14, 15 का जो करंट प्राइस इंडिया पे क्या है वो उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। जो आईफोन 13 का करंट प्राइस है वो 55,999 से स्टार्ट होता है एंड जो आईफोन 14 का प्राइस है वो 64,999 रुपीज़, आईफोन 15 का 79,900 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नोट भी डाला हुआ है आप लोगों के लिए कि ये एक स्टार्टिंग प्राइस है, प्राइस में वैरी कब वैरी करेगा, जब कुछ करंट ऑफर्स चल रहा होगा, जैसे दिवाली का बिग बिलियन डे वगैरह ऑफर्स चल रहा होगा या दोस्तों न्यू ईयर का सेल कुछ तरह से, दोस्तों इस तरह से सेल आएगा तो स्टोर पे, ऑफलाइन स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे आपको प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ये एक स्टार्टिंग प्राइस है, आप एस्टिमेट लगा के जा सकते हैं और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसका करंट प्राइस क्या है। अब दोस्तों 13, 14, 15 का जो वेरिएंट है आईफोन का उसका कितना वर्जन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो 13 का वेरिएंट है वो दोस्तों 4 वेरिएंट्स लॉन्च किया गया है एप्पल के तरफ से, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो 13 मिनी एंड 13 प्रो पे आपको
सिर्फ 13 एंड 13 मिनी पे आपको 120 जीबी से शुरू होता है जो मेमोरी साइज है एंड वो 512 जीबी तक जाता है। आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स पे आपको टिल 1 टीबी तक मिलेगा, ठीक है। एंड आईफोन 14 का भी सेम है, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। यहाँ पे दोस्तों एक गलती से आईफोन 14 प्रो मैक्स दो बार हो गया है, वो आईफोन 14 प्रो है, ठीक है, एंड मैक्स और एक है, तो चार वेरिएंट के साथ आता है। इसका भी सेम है, 14 एंड 14 प्लस पे आपको 128 जीबी से टिल 512 जीबी तक मिलता है एंड 14 प्रो मैक्स पे आपको 128 जीबी से टिल 1 टीबी तक मिलेगा मेमोरी एंड उस हिसाब से प्राइस भी वैरी करेगा। 15 में दोस्तों बात करें तो आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स, इस तरह से चार वेरिएंट लॉन्च हो चुका है एंड 15 एंड 15 प्लस पे आपको 128 जीबी मेमोरी साइज से टिल 512 जीबी तक मेमोरी देखने को मिल जाएगा। एंड आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग है 128 जीबी से टिल 1 टीबी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है कुछ मेमोरी साइज एंड वेरियंट्स आईफोन 13, 14, 15 का। यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद iPhone 13, 14, 15 का जो डिस्प्ले साइज है, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं इन डिटेल्स। तो iPhone 13, 14 का जो डिस्प्ले है दोस्तों, टाइप आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो टाइप है दोस्तों iPhone 13 का वो है सुपर रेटिना XDR OLED एंड यहाँ पे आपको HDR 10 Dolby वर्जन, 800 nits SBM, 1200 nits पिक आपको देखने को मिल जाएगा टाइप पे। सेम दोस्तों iPhone 14 पे सुपर रेटिना XDR OLED, HDR 10 Dolby वर्जन, 800 nits SBM एंड 1200 nits पिक। इस तरह से दोस्तों काफी मतलब सिमिलर या बोल सकते हैं टाइप के मामले में। यहाँ पे 15 पे बात करें तो 15 पे है सुपर रेटिना XDR OLED, HDR 10 Dolby वर्जन, 1000 nits SBM एंड 2000 nits पीक। इस तरह से तो 15 पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं बताया था कुछ कुछ आईफोन वर्जन में आपको ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, कुछ वर्जन पे आपको मिलेगा, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे 15 पे सिर्फ चेंज हुआ है डिस्प्ले टाइप के बारे में। यहाँ पे साइज के बारे में बात करें तो तीनों का आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 13, 14, 15 का। प्रो मैक्स पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो आईफोन 13, 14 का जो रिजोल्यूशन है वो दोस्तों आपको मिलेगा 11,170x2,532 पिक्सल एंड यहाँ पे आपको सेम 14 पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दोस्तों यहाँ पे आपको आईफोन 15 में देखने को मिलेगा, जिसका है दोस्तों 11,079x2,556 पिक्सल्स एंड यहाँ पे रेशियो होता है 9:9.5:9 रेशियो एंड जो PPI डेंसिटी है वो दोस्तों आपको 461 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 15 पे आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा, 13, 14 काफी सिमिलर है। प्रोटेक्शन आपको आपको यहाँ पे 13 एंड 14 पे सील्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा, सेरामिक सील्ड ग्लास एंड जो कि अच्छा है एंड सेम आपको 15 में भी देखने को मिलेगा। तो ज्यादा प्रोटेक्शन पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है एप्पल के तरफ से। यहाँ पे जो बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं 13, 14, 15 का जो डायमेंशन है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो 13, 14 है एंड 15 है, 13, 14 है उसका ऑलमोस्ट सेम है एंड थोड़ा बहुत एंड 15 का भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। डायमेंशन के बारे में बात करें यहाँ पे 146.7x71.5x7.7 mm यहाँ पे डायमेंशन आपको 13 में देखने को मिलेगा। 14 में बात करें 146.7x71.5x7.8 mm का देखने को मिलेगा, तो 7.7 mm 13 पे, 7.8 mm 14 पे आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली बात करें 15 पे वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आईफोन 15 पे आपको मिलेगा 147.6x71.6x7.8 mm का जो बॉडी डायमेंशन है, ठीक है। एंड 3D कंपेयर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, आपको ऑलरेडी पता होगा, ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं ब्लैंक छोड़ा है। वेट बिल्ड के बारे में बात करें 13 आपको 174 ग्राम पे मिलेगा एंड 14 आपको 172 ग्राम पे मिलेगा, थोड़ा लाइट वेट है एंड 15 आपको और भी थोड़ा लाइट वेट किया गया है, 171 ग्राम में मिलेगा 15 वर्जन, तो थोड़ा सा आपको लाइट वेट
देखने को मिलेगा यहाँ पे 13, 14, 15 कंपैरिजन करें तो। एंड सिम के बारे में बात करें तो तीनों का जो सिम है यहाँ पे सेम रखा गया है टाइप, जैसे कि नैनो सिम, ई सिम एंड और डुअल सिम सपोर्ट करता है। एंड आपको यहाँ पे जो एप्पल पे भी मिलेगा, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेक्स सर्टिफाइड, इस तरह से आपको तीनों में का सिम टाइप सेम ही आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पे आईफोन 13, 14, 15 का जो प्लेटफॉर्म है एंड मेमोरी साइज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीनों का बात करते हैं। आईफोन 13 पे आईओएस 15 अपडेटेड टू आईफोन जो आईओएस 17 यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आईफोन 14 है वो आईओएस 16 पे लॉन्च किया गया था एंड अपडेट आप कर सकते हैं 17 पे जो लेटेस्ट है अभी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइप उस तरह मतलब उसी टाइम दूसरा कोई ओएस आ सकता है, वो भी आप अपग्रेड फ्री में कर सकते हैं। आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके सेटिंग अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे आईफोन जो 15 है वो डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन आईओएस 17 पे लॉन्च कर दिया गया है। अगर कुछ न्यू वर्जन आता है वो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। चिपेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्पल A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा। चिप के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको 14 पे एप्पल A15 बायोनिक चिप भी देखने को मिलेगा। एंड सेम दोस्तों आपको अगर बात करें आईफोन 15 की तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एप्पल A16 बायोनिक चिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीपीयू के बारे में बात करें, आपको हेक्सा कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 13, 14 है वो थोड़ा सा सेम है आप बोल सकते हैं, एंड जो 15 है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड जीपीयू के बारे में बात करें, यहाँ पे तीनों का जो जीपीयू है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा आपको 13 में चेंज देखने को मिलेगा। 13 पे 4 कोर है एंड 14, 15 पे आपको 5 कोर ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों ग्राफिक्स के बारे में बात हो गया। मेमोरी के बारे में बात करें, आपको कार्ड स्लॉट इंटरनल आपको किसी भी वर्जन पे देखने को नहीं मिलेगा, 13, 14, 15 में नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंटरनल पे बात करें आपको, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये सारे वेरिएंट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्क एंड फीचर्स के बारे में। यहाँ पे नेटवर्क आपको आईफोन 13, 14, 15 में सेम ही मिलेगा, GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE एंड 5G, तीनों के तीनों 5G सपोर्टेड है। आप बेफिक्र होकर कोई भी ले सकते हैं नेटवर्क के मामले में। एंड फीचर्स के बारे में बात करें, सेंसर्स आपको आईफोन 13 में मिलेगा, फेस आईडी एंड एक्सेलोमीटर एंड ये सारे चीज़ दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड जो 14 के बारे में बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन हुआ है, जैसे कि इमरजेंसी SOS, सैटेलाइट, इस तरह से ये। हालांकि दोस्तों 13 पे भी वो सारे अवेलेबल हो चुका है एंड वो आपको अपडेट करने के बाद आपको मिल जाएगा। 15 में भी 14 तरह ही आपको फेस आईडी वगैरह, प्रॉक्सिमिटी जो कंपास एंड ये सारे दोस्तों, इमरजेंसी SOS, ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी SOS दोस्तों, अगर फीचर नहीं पता क्या होता है, एक डेडिकेटेडली वीडियो बना सकते हैं किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, तो काफी सही इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आईफोन 13, 14, 15 का जो मेन कैमरा एंड सेल्फी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी, जो मेन कैमरा है 13 पे आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का एंड 14 पे भी 12 मेगापिक्सल, लेकिन जो 15 पे वो बिग चेंज किया गया है 48 मेगापिक्सल। ठीक है, एंड यहाँ पे 13, 14 का जो कैमरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है पिक्सल के मामले में एंड आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत सेंसर वगैरह पे भी चेंजेस किया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का अल्ट्रा वाइड सपोर्टेड है। फीचर्स के बारे में, डुअल LED, डुअल टोन फ्लैश आपको मिलता है, यहाँ पे भी HDR सपोर्टेड है, वहाँ पे भी 13, 14 पे भी HDR सपोर्टेड है, दोनों पे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पिक्सल जो ये है उस पर चेंजेस किया गया है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मॉड्यूल्स पे थोड़ा बहुत चेंजेस 13, 14 में है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा बहुत लाइट एंड डीप आपको देखने को मिलेगा कैमरा पे, ठीक है, लेकिन मेजर है कि दोनों पे 4K सपोर्टेड है।
15 में कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है एंड ये सारे बहुत सब कुछ चेंज कर दिया गया है। अलग यहाँ पे भी 4K आप शूट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें, आप तीनों पे आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं किया गया है एप्पल की तरफ से। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी में देखने को मिलेगा फर्क, लेकिन तीनों के तीनों सेल्फी कैमरा पे ज्यादा कोई बिग डिफरेंस नहीं मिला मुझे। यहाँ पे बात करते हैं 13, 14, 15 का जो बैटरी वेरियंट, वहां पे दोस्तों टाइप के बारे में बात करें तो 13 भी आपको लायन जो है वो 3240 mAh का मिलता है। सेम दोस्तों आप बात करें 14 पे तो 3279 mAh, और बात करें 15 पे तो 3349 mAh पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। तीनों नॉन रिमूवेबल है एंड यहां पे आप उसका जो देख सकते हैं वर्किंग आवर 12 जो 13 का है वो 12.41 आवर है एंड यहाँ पे 14 पे आपको 12.68 आवर एंड यहाँ पे आप बात करें तो ये वायर्ड है 50% इन एडवांस, आप 30 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। बात करें 13, 14, 15 का अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि लाउड स्पीकर्स वगैरह तीनों का सेम है। 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलेगा तीनों के तीनों वेरियंट पे, तीनों वर्जन पे आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको WN जो इसके बारे में बात करें तो वाईफाई 802.11 सपोर्टेड है तीनों के तीनों पे, ऑलमोस्ट सेम है। ब्लूटूथ भी ऑलमोस्ट आप सेम बोल सकते हैं, 5.0 सपोर्ट करता है तीनों के तीनों वर्जन पे। एंड ये सारे दोस्तों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं मिलेगा, आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। जो चेंजेस मिलेगा वो यूएसबी पोर्ट पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 13 14 वर्जन है एप्पल का वहां पे लाइटनिंग यूएसबी 2.0 देखने को मिलेगा। हालांकि आईफोन 15 में आपको यूएसबी टाइप सी 2.0 देखने को मिलेगा जो डिस्प्ले पोर्ट है। तो यहाँ पे 15 में जो आईफोन 13 14 तक जो चला आ रहा था लाइटनिंग केबल वो एप्पल ने चेंज कर दिया है, आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाएगा। कलर्स के बारे में बात करें तो तीनों का जो कलर अवेलेबल है वो आप यहां से देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक करवा सकते हैं, आपके फेवरेट कलर आप ले सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट और बाकी मॉडल्स वगैरह भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस चेंज नहीं है, लेकिन दोस्तों मॉडल वाइज थोड़ा फर्क पड़ेगा वर्जन पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे बात करते हैं जो मेजर बिग चेंज है न्यू आईफोन 15 पे वो क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया थोड़ी देर पहले, वो है दोस्तों न्यू आईफोन 15 आपको यूएसबी सी पोर्ट के साथ मिलेगा, जो 11 ईयर का कंपनी जो प्रायोरिटी कर रहा था लाइटनिंग चार्जिंग प्लग को वो दोस्तों अभी चेंज कर दिया है एप्पल कंपनी ने। यहाँ पे आपको आईफोन 15 से आपको शायद जो आने वाले वर्जन पे भी सेम वर्जन देखना सेम पोर्ट देखने को मिलेगा, हालांकि कभी अनाउंस नहीं करता कंपनी, लेकिन अभी जो 15 वर्जन है आपको यहाँ पे टाइप सी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज आपको आईफोन 15 में मिलेगा। अगर आप टाइप सी आपको अच्छा लगता है, आपके पास बहुत सारे टाइप सी केबल्स है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए कोई दूसरा लाइटनिंग केबल लेने की जरूरत नहीं है जो कि कॉस्टली आता था एंड आपको कोई भी दूसरा एक्सटर्नल परचेस करने की जरूरत नहीं है। टाइप सी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, इमरजेंसी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे आईफोन 15 टाइप सी के साथ लॉन्च हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये था इस वीडियो में, उम्मीद है कि कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर दोस्तों मैंने कुछ मिस कर दिया है मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर एंड उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा जो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे चुका हूँ एंड आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, कोई दूसरा ब्रांड का चाहिए या दोस्तों कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर कंपैरिजन चाहिए, कोई कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपके कमेंट को लेके एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एंड आपका टॉपिक अगर अच्छा लगा आपका नाम लेके भी आपके रिकमेंडेशन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं मेंशन कर दूंगा उस वीडियो में। एंड दोस्तों प्रो मिनी लेवल का भी कंपैरिजन चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, मैं जरूर से एक वीडियो बना लूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में देखे बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर न्यू वीडियो का। आप चाहें आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लें ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए एंड आप मुझे सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा बिजनेस मेल आईडी है दोस्तों beingunitv.channel@gmail.com, आप चाहें हमें ईमेल भी कर पाएंगे। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें से लेता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नया वीडियो लेकर, आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी।